गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। वेलकम है आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। वापस नई क्लास लेकर के हम लोग हाजिर हुए हैं आपके सामने, है ना, केमिस्ट्री कोई क्लास को लेकर के। जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से बेटा जी आ जाइए वापस, जल्दी से लोड करके आ जाओ, जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों को, अपने बड़े भाइयों को, छोटे बहनों को, सबको बेटा जी जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से सभी के सभी जुड़ जाएं, आ जाओ जल्दी से। हाँ जी, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं अपने। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था पदार्थों के बारे में, किसके बारे में डिस्कस कर लिया था, पदार्थों के बारे में डिस्कस कर लिया था कि पदार्थ की प्रॉपर्टीज क्या होती है, पदार्थ की प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। और हमने डिस्कस किया पिछली क्लास में बेटा जी कि पदार्थों की जो इकाइयां होती हैं उसको किस तौर पे हम कैलकुलेट करते हैं, एसआई यूनिट के बेस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। किसके बेस पर? एसआई के बेस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये तमाम चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। एसआई यूनिट में हम लोगों ने सात बातें पढ़ी थी, वो सात पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। अगर जिसको याद है तो फटाक से मुझे बताओ बेटा जी, अगर तुम लोगों ने कल की क्लास अच्छी तरह से देखी है तो मुझे फटाक से जल्दी से बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। जल्दी से डालो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से इसकी आंसर डालो बेटा जी। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है? टेस्ट है आप आज आपका, देख लो जल्दी से बताओ मुझे, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताओ। साथ में एक और बताओ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है। जल्दी डालो कमेंट बॉक्स में, मैं सभी के कमेंट डालूंगा, चेक करूंगा मैं जल्दी से। कमेंट में अपना आंसर देते रहो जल्दी से बेटा जी, आइएगा, है ना। ठीक है, आइए देखिएगा, चलिएगा आज अपने क्लास शुरू करते हैं। कल हमने डिस्कस कर लिया था एसआई यूनिट्स के बारे में, है ना। आज डिस्कस करेंगे बेटा जी पदार्थों का परिवर्तन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा जी, पदार्थों का परिवर्तन। हेडिंग डालिए चेंज ऑफ मैटर। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा जी, कई डेफिनेशन यहां से आप लोगों से पूछी जाएंगी, है ना। पदार्थों का परिवर्तन, बिल्कुल जनरल तरीके से चल रहे हैं, है ना, बहुत आसान तरीके से चल रहे हैं अपने, कि पदार्थों को क्या हम एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसी से रिलेटेड आज की हमारी क्लास रहेगी कि पदार्थों को हम क्या एक दूसरे पदार्थों में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या पदार्थ की अवस्था को हम एक दूसरे अवस्था में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, है ना। तो आज की क्लास हमारी यह रहने वाली है। चलिए आइएगा, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी बात बता देना चाहूंगा। हमने पिछली क्लास में ये डिस्कस किया हुआ है कि पदार्थ जो है वो आम तौर पर नेचर में पाए जाने वाले पदार्थ हमारे कितने टाइप के होते हैं बेटा जी, तीन टाइप के। या तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा, या वो होगा बेटा जी द्रव फॉर्म में, और या होगा कौन सी फॉर्म में, गैस फॉर्म में। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि जो जनरली पदार्थ जो हमारे पाए जाते हैं नेचर में वो कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा जी, तीन टाइप के। या तो होगा वो सॉलिड फॉर्म में, या होगा बेटा जी लिक्विड फॉर्म में, और या होगा गैस फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं क्या, क्या हम सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में बदल सकते हैं क्या, क्या हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज कर सकते हैं क्या, क्या हम लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं क्या, है ना। तो आपने ये छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, या टेंथ या नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा कि हम लोग पदार्थों की अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। तो उसी से रिलेटेड आज की क्लास है। तो बिल्कुल भी आपने सही बताया कि हम लोगों के बात करें अपने, तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि बेटा जी पदार्थ जो होते हैं वो तो या तो होगा ठोस, और बेटा जी या क्या होगा, लिक्विड, क्या होगा, लिक्विड, और या फिर होगा बेटा जी गैस। अरे बोलो क्या होगा, गैस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो याद रखना बेटा जी, या तो पदार्थ होगा द्रव, और या फिर होगा बेटा जी गैस, है या नहीं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है कि क्या हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं क्या, और या हम लोग लिक्विड को सॉलिड में बदल सकते हैं क्या, क्या हम गैस को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं क्या, है, और क्या हम इस सॉलिड को सीधा गैस में बदल सकते हैं क्या, क्या हम इस गैस को सीधा इस सॉलिड में बदल सकते हैं क्या। तो इस क्लास में हम टोटल छह डेफिनेशन पढ़ने वाले बेटा जी, है ना। कितनी डेफिनेशन? छह डेफिनेशन। देखो जरा एरो, देखो जरा सामने, है ना, एरो जो लगाए हैं मैंने,
ये वाला एरो, ये वाला, टोटल कितने एरो है देखो, है ना, टोटल है 6, तो 6 बेटा जी अपने को डेफिनेशन डिस्कस करनी है। यहां से क्वेश्चन जरूर बन के आएगा, जरूर उठेगा, और तसल्ली के साथ समझना बेटा जी, आराम के साथ समझना कि क्या हम पदार्थों की अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आइएगा पॉइंटों में चलेंगे अपने बेटा जी। तो पहला पॉइंट डालो नंबर एक, पॉइंट नंबर फर्स्ट में हेडिंग डालो बेटा जी मेल्ट या मेल्टिंग, हेडिंग डालिए मेल्टिंग, जिसको बोलते हैं बेटा जी गलना या फिर बोलते हैं पिघलाना, पिघलाना। नंबर फर्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग, जिसको हम बोलते हैं बेटा जी गलाना या फिर है पिघलाना, है ना। क्वेश्चन आएगा कि मेल्टिंग क्या होती है ना, मेल्टिंग का मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ना, इसको हम लोग कह सकते हैं गलन, याद रखना बेटा जी गलना या फिर गलन। गलन से आपका क्या तात्पर्य है, व्हाट्स द मेन डिफरेंस, तो नहीं आएगा, पहले बात करते हैं डेफिनेशन, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु किसे कहते हैं या फिर गलन किसे कहते हैं, अरे जल्दी से बताओ मेल्टिंग किसे कहते हैं, है ना, गलन किसे कहते हैं, नाम से स्पष्ट है गलन का मतलब है गलना, मेल्टिंग का मतलब होता है किसी का मेल्ट होना। बेटा जी मेल्ट कौन होगा, मेल्ट वही होगा जो चीज सॉलिड होगी, है ना। चलो इस डेफिनेशन को एक बार छोड़े अपने, अपने लेते हैं बेटा जी बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल, आइस ले ली हम लोगों ने, बर्फ ले ली, हाँ जल्दी से निकाल के लेकर के आ जाओ बर्फ बेटा जी अपने फ्रिज में से, ले आओ ले आओ जल्दी से ले आओ, फिर पानी बनाते हैं फिर अपने आगे पढ़ते हैं, है ना, लेकर आगे क्या, अरे बोलो, हाँ चल देखे, तो इस आइस को देखो आप, आइस कौन सी फॉर्म में है बताओ, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में दिख रही है आइस, बिल्कुल। अब ये जो सॉलिड फॉर्म की जो बेटा जी ये जो आइस है, ये धीरे धीरे आप देख रहे हो क्या होती जा रही है, पानी में कन्वर्ट होती जा रही है, पानी में तब्दील हो रही है, अरे बोलो तब्दील हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल पानी में तब्दील हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये पिघल रही है, कौन पिघल रही है, आइस पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है, बर्फ कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, और किस में पिघल रही है, पानी में पिघल रही है। तो याद रखना बेटा जी जब कोई ठोस पदार्थ किस में बदले, लिक्विड में बदले, व्हेन एनी सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, व्हेन एनी सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म, ठोस अवस्था से जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेल्टिंग, क्या कहते हैं बेटा जी मेल्टिंग। तो डिफरेंस अगर लिखने चाहो डेफिनेशन बेटा जी, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, डेफिनेशन क्या लिखोगे, ऐसा परिवर्तन या पदार्थ यदि, यदि पदार्थ ठोस अवस्था से, ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गलन या क्या कहते हैं, पिघलाना। अगर पदार्थ, यदि पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रम को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। इंग्लिश वाले लिखो बेटा जी, लिखिए जल्दी से, जल्दी से लिखिए, व्हेन एनी सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म, व्हेन एनी सब्सटेंस कन्वर्ट इंटू सॉलिड फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म, इट्स प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग प्रोसेस। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, मेल्टिंग पॉइंट। नोट डाल के बाद देखना बेटा जी, थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखिए, तो डिस्कस किया आपने बेटा जी कि सॉलिड को यदि हमें लिक्विड में चेंज करना है तो किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, मेल्ट कहलाता है, गलन कहलाता है ना। नोट डाल के बाद लिखो बेटा जी, नोट डाल करके, अच्छा नोट डालने से पहले मुझे एक बात बताइए, बताइए कि अगर हम लोगों ने बर्फ की बात करें तो बर्फ हमारी पड़ी है बेटा जी फ्रिज में, फ्रिज में पड़ी है, सर फ्रिज बहुत बड़ा होता है, तो बेटा जी जो बात मैं बोलने जा रहा हूं सुन लेना, जो फ्रिज बहुत बड़ा होता है उस फ्रिज के जिस पार्ट में हम बर्फ को जमाते हैं, किसको जमाते हैं बेटा जी, बर्फ को नहीं जमाते, बर्फ तो जमी रहती है, पानी को जमाते हैं ना, तो पानी को जहां जमाया जाता है, हंसी भी आ रही है आप लोगों को ना मेरी बातें सुन सुन के, कोई बात नहीं बेटा जी हंस लीजिए, लेकिन याद रखिएगा इस क्लास को पर डे तुम लोगों को देखना ही देखना है, है ना, क्या करना है, देखना ही है, जब भी टाइम मिले आप लोगों को बेटा जी, अगर आप लोग ऑनलाइन नहीं आ सको तो आप ऑफलाइन, आप लोग ऑनलाइन क्या
ऑनलाइन जब क्लास चलती है, लाइव क्लास जब चलती है, तो लाइव तो आने की कोशिश किया करो, है ना। लाइव नहीं आया जा रहा तो बाद में देख लिया करो आप, लेकिन देखना जरूरी है बेटा जी आपको ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बर्फ को अगर अपने बात करें तो फ्रिज की अगर हम बात करें तो फ्रिज में जिस पार्ट में बेटा जी हमें पानी को क्या करना है, जमाना है, तो पानी को जहां जमाया जाता है उस पार्ट को बोलते हैं फ्रीजर। क्या बोलते हैं? फ्रीजर, है ना। क्या बोलते हैं? फ्रिज। तो जहां पे वो फ्रिज का जो ऊपर ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जहां पे हम लोग पानी को जमाने के लिए रखते हैं, आइस में कन्वर्ट करने के लिए रखते हैं, तो वो जो पार्ट होता है बेटा जी, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? फ्रीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीजर। तो मुझे बात बताओ, अगर बर्फ हमारी जम गई, अब वो फ्रीजर में पड़ी है, एक बर्फ वहां पे पड़ी है और एक बर्फ मैंने निकाल करके बेटा जी धूप में रख दी, है ना, बाहर रख दी ओपन में, तो मैं आपके सामने देखूंगा, आप मुझे बताओ आप क्या देखोगे, ये वाली बर्फ जो है ये पिघलेगी या जो फ्रिज में रखी हुई बर्फ है वो पिघलेगी? बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में डालो कौन सी बर्फ पिघलेगी, बाहर वाली जो बर्फ रखी हुई है धूप में वो जल्दी पिघलेगी या वो पिघलेगी? वो नहीं पिघलने वाली क्योंकि वो भी कूल है, वो बेटा ठंडी है, ये पिघल रही है। कोई बताएगा ये क्यों पिघल रही है? अरे बोलो, ये पिघल रही है इसलिए क्योंकि इसको मिल रहा है टेम्परेचर। क्या मिल रहा है? टेम्परेचर। तो बेटा जी ये बात ध्यान रखना, अगर हमें किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, ठोस को द्रव में कन्वर्ट करना है, तो हमें एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बोलो बेटा जी किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? एक ताप की आवश्यकता पड़ेगी। इस ताप की आवश्यकता पड़ेगी। बात याद रखना बेटा जी, इस टॉपिक में आपके दो डेफिनेशन कंप्लीट होने वाली है। पहली हमने डेफिनेशन डिस्कस की कि मेल्टिंग क्या होता है, गलन किसे कहते हैं। तो गलन में आपने डिस्कस किया कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, ठोस को द्रव में चेंज करने का प्रोसीजर क्या कहलाता है? हमारा मेल्टिंग कहलाता है। अब हमने भी डिस्कस किया कि किसी भी सॉलिड को अगर हमें लिक्विड में चेंज करना है तो अपने आप चेंज नहीं होगा, उसको चेंज करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा। अरे बोलो क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो याद रखना, किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, फॉर कन्वर्ट द सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म, देर आर सम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, या फिर मैं से कहूं देर आर ए डेफिनेट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। किसी के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी और किसी के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो याद रखना, किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, ताप की आवश्यकता पड़ेगी, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जिस टेम्परेचर पर, सुनिएगा गौर से, मैं लाइन बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना, जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, सुनिएगा, ऐसा टेम्परेचर जहां कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए, सॉलिड ठोस जो है वो द्रव में बदलने लग जाए, उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अरे बोलो बेटा जी क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। प्रश्न आएगा कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, गलनांक बिंदु किसे कहते हैं। एक प्रश्न हमने डिस्कस किया अभी कि मेल्टिंग अलग है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट अलग है। मेल्टिंग किसे कहते हैं? गलन किसे कहते हैं? सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने का प्रोसेस, ठोस का द्रव में बदलने का जो ये प्रॉपर्टी है, ये जो गुणधर्म है, ये जो प्रक्रम है, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं मेल्टिंग, पिघलना, गलन या गलना। और सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए एक परफेक्ट, एक डेफिनेट टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर उतना टेम्परेचर उसको मिल गया तो ये पिघल जाएगा, अगर उतना टेम्परेचर उसको नहीं मिला तो कोई सॉलिड आसानी से लिक्विड में चेंज नहीं होगा। तो याद रखना, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें एक डेफिनेट टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? डेफिनेट टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा निश्चित ताप, लिख लो बेटा जी, ऐसा निश्चित ताप जहां कोई ठोस द्रव में बदलना प्रारंभ हो जाए, द डेफिनेट टेम्परेचर वेयर एनी सब्सटेंस इज कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना प्रारंभ हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? गलनांक कहते हैं। नोट डाल के एक बात और याद रखना बेटा जी, इसमें एक बात और याद रखना, जितनी भी धातुएं हैं, धातुएं, है ना, जितनी भी बेटा जी मेटल है, मेटल,
मेटल नाम सुना होगा आपने, जैसे आयरन है, लोहा धातु, कॉपर है हमारी, तांबा है ना, ये जितने भी सोना चांदी है ना, जितनी भी मेटल है हमारी, तो मेटल जो है वो कौन सी फॉर्म में पाई जाती है बेटा जी? जो मेटल है हमारी वो जनरली सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, है ना, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, याद रखना। जनरली जितनी भी हमारी धातुएं हैं, एक दो हमारे अपवाद है, एक्सेप्शन है, उन एक्सेप्शन की बात हम बाद में करेंगे। तो सामान्यतः जो बेटा जी हमारी धातुएं हैं, उन धातुओं की बात करें तो वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये ठोस अवस्था से द्रव में चेंज करना है हमें, तो हमें इसको क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास में मान लीजिएगा एक लोहा है, ये मान लीजिएगा आयरन की रोड है, मान लो ये आयरन की रोड है। अब सॉलिड फॉर्म में है, इसको मुझे पिघलाना है बेटा जी, मेल्ट करना है। तो मेल्ट करने के लिए मैंने इसके नीचे बेटा जी मोमबत्ती लगा दी, कैंडल लगा दी, कैंडल। क्या कैंडल लगाने से क्या ये मेल्ट हो जाएगा? क्या नहीं हो पाएगा? इसका मतलब ये है कि इस सॉलिड को, इस आयरन को, इस लोहे की छड़ को मेल्ट करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा क्या चाहिएगा? टेम्परेचर चाहिएगा। कम टेम्परेचर पे बेटा जी पिघलने वाला नहीं है। तो याद रखना, सभी पदार्थ जो है, जो ठोस अवस्था में है, वो अलग अलग टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में बदलते हैं। कोई लो टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, किसी को हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा सॉलिड फॉर्म से किस में चेंज करने के लिए? लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो नोट डाल करके ये भी बात लिख लो बेटा जी कि जो धातुएं हैं उन धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हैव मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। लिख लो, एमपी का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट। द मेटल हैव मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। जो धातुएं हैं उन धातुओं का गलनांक बिंदु क्या होता है? सर्वाधिक होता है। धातुओं में गलनांक बिंदु क्या होता है? सर्वाधिक होता है। नोट डालकर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, मैं वापस रिपीट करूंगा बेटा जी। धातुएं बहुत सारी होती हैं, धातुएं बहुत सारी होती हैं, उन धातुओं में एक नाम आता है बेटा जी टंगस्टन। अरे बोलो क्या नाम आता है? टंगस्टन। टंगस्टन बोले तो इसका सिंबल है बेटा जी W। नाम सुनेंगे कभी जिंदगी में, देखिए कभी टंगस्टन धातु। अरे बोलो जल्दी से, सर हमने सोना चांदी नहीं देखा, टंगस्टन कहां से देख लिए ना? अरे कोई बात नहीं, देखो टंगस्टन तुमने देखा है क्या? सभी ने देखा है टंगस्टन। अरे टंगस्टन धातु सभी ने देखी है। तुम लोगों ने बेटा जी घरों में लगा हुआ बल्ब देखा होगा, बल्ब जो 10 रुपए का आता है ना, जो येल्लो कलर की लाइट देता है अपने को, येल्लो कलर की लाइट। अरे वो आजकल तो LED की लाइट आने लगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा बेटा। वो जो 10 रुपीज का आता है या 15 रुपए का आता है, वो फिलिप्स वगैरह का बल्ब आता है ना, तो उसमें देखो जरा, ये रहा मान लो, ये देखो, ये था आपने, ये रहा बल्ब, ऐसे ही होता क्या है ना? तो उसमें बेटा जी ये फिलामेंट लगा होता है, ये वाला फिलामेंट, ये वाला देखा गया, जो अपने को क्या देता है? रोशनी देता है, लाइट देता है, चमक देता है अपने को ना। तो ये जो लाइट है, ये वाला जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है बेटा जी। देखा गया सभी ने, सर हाँ आज तो मैं क्या करूंगा, बल्ब को तोड़ूंगा, फोड़ूंगा, फिर उसमें से टंगस्टन निकालूंगा, है ना, फिर देखूंगा क्या बात है। अगर बल्ब खराब हो गया तभी तोड़ना, तभी फोड़ना, ध्यान से तोड़ना फोड़ना बेटा जी, कांच है ग्लास से लगना जाए, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट ऐसे वाले घरों पे नहीं करने जो हम लोगों को नुकसान देते हैं, अगर करने भी है तो थोड़े ध्यान से करने। चलो देखिएगा, तो मुझे बताना जरूर किसने किसने टंगस्टन हाथ में लेकर के देखा है, ठीक है ना, मेटल को। चलो कोई बात नहीं, मजाक की बात होती है। तो मुझे बताओ जो मेटल है टंगस्टन, याद रखना टंगस्टन एक ऐसी मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है बेटा जी? सबसे ज्यादा होता है। तो लिख लेना, सभी धातुओं में टंगस्टन धातु का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। यानी कि टंगस्टन को अगर हमें पिघलाना है तो ये थोड़े बहुत टेम्परेचर पे पिघलने वाली नहीं है बेटा जी। इसको पिघलाने के लिए लगभग हमें 3000 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। कितना? 300 नहीं कह रहा हूं मैं 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कह रहा हूं बेटा जी। इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाकर के ये क्या हो पाएगी? पिघल पाएगी। तो बेटा जी एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, है ना, छोटी छोटी क्लासेस जो है नहीं है ये बेटा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने नोट करते चले जाना है। मैं एक साथ बता दूं, ये 6 के 6 डेफिनेशन एक साथ बता दूं, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले एक एक को डिस्कस करते जा रहे हैं तसल्ली के साथ में। तो वापस देखिएगा,
मेल्टिंग क्या होता है, मैंने भी आपको बताया, ऐसा प्रोसेस जिसमें ठोस पदार्थ किस में बदलता है, द्रव में बदलता है, है ना। द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्ट इन टू लिक्विड फॉर्म उसको बोलेंगे मेल्टिंग फॉर्म। फिर मैंने आपको कहा कि मेल्ट करने के लिए हमें डेफिनेट टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा निश्चित ताप जहां ठोस धातु द्रव में बदलती है। द डेफिनेट टेम्परेचर वेयर एनी सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्ट इन टू लिक्विड फॉर्म व्हेन इट्स कन्वर्ट इन टू सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म, उस टेम्परेचर को कहते हैं बेटा जी मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु मतलब ऐसा परफेक्ट ताप जहां ठोस अवस्था से कोई पदार्थ द्रव अवस्था में बदलने लग जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु। फिर हमने डिस्कस किया कि जितनी भी धातुएं हैं इन सभी धातुओं का जो गलनांक बिंदु होता है वो सामान्यतः क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। धातुओं का गलनांक बिंदु सर्वाधिक होता है और उन धातुओं में भी सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बताओ जल्दी से? टंगस्टन का होता है। बताओ किसका होता है? टंगस्टन का होता है। यहां तो कोई कंफ्यूजन है क्या? चलो इसी के साथ में एक बात और लिख लो बेटा जी, मुझे बताओ सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका है। अरे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का है तो मुझे बताओ ऐसी कौन सी धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो जल्दी से इसके आंसर, मुझे बताओ जल्दी से कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का तो ऐसी कौन सी मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा? जल्दी से बताओ जल्दी से, है ना, जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए मुझे आप। हाँ नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना क्या? चलो देखो नाम सुना होगा आपने, क्या सुना है बेटा जी? मरकरी। बोले तो पारा। नाम सुना है क्या? यस सर नाम सुना है हमने। अपने मान लीजिएगा, मैं दुआ करता हूं कि कभी आप लोगों की तबीयत डाउन ना हो, लेकिन फिर भी कई बार अगर हम लोगों को बुखार आ जाता है तो बेटा जी हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट करता है, बॉडी का टेम्परेचर मापता है। तो बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए वो थर्मामीटर का इस्तेमाल करता है, देखा होगा थर्मामीटर, है ना, जिसको हम बोलते हैं तापमापी। क्या बोलते हैं? तापमापी। तो वो हम लोगों के मुंह में डालने के बाद हमारे बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करता है कि निकलता है? आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर आ गए ना, तो पहले के टाइम के अंदर जो थर्मामीटर आते थे बेटा जी, तो उस थर्मामीटर में जो मेटल होती थी वो कौन सी होती थी? मरकरी होती थी, पारा होती थी। कौन सी? पारा। तो याद रखना पारा एकमात्र ऐसी धातु है, पारा बोले तो मरकरी एसेंशियल केवल एक ऐसा मेटल है जो इस दुनिया में, जो इस नेचर में, जो इस प्रकृति में हमें कौन सी फॉर्म में मिलता है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो एकमात्र धातु जो हमें कौन सी अवस्था में मिलती है? द्रव अवस्था में मिलती है। तो मुझे बताओ जो खुद द्रव अवस्था में है उसको मेल्ट करने की क्या जरूरत है कि नहीं है? दोबारा नोटिस करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ऐसी कौन सी धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? सर वो है टंगस्टन। और एक बात बता रहा हूं तो बताओ मुझे कि ऐसी कौन सी धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है? तो आंसर होगा आप लोगों का मरकरी। तो याद रखना क्यों? क्योंकि मरकरी खुद एक धातु है जो पहले से लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको बेटा जी लिक्विड फॉर्म में चेंज करने की क्या जरूरत है? तो याद रखना ऐसी कौन सी धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा? टंगस्टन। और ऐसी कौन सी धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा? तो आंसर होगा बेटा जी आपका मरकरी। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया मेल्टिंग क्या कहलाता है, मेल्टिंग किसे कहते हैं, और मेल्टिंग में हम लोगों की बेटा जी दूसरी डेफिनेशन आ गई थी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। कोई कंफ्यूजन क्या यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो इसके आगे चलते हैं, अपने नोट डालो बेटा जी, स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में लिखते भी रहा करो आप लोग, फिर अगली क्लास लेते हैं अपने।